अच्छा, तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था जो मेरे प्रकाश में फेस्टिवल होता है मैंगो का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये फेस्टिवल जो है कहते हैं ना कि मनाया जाता है। तो आप जगह आपको दिखाता हूँ जो हॉल है जिसके अंदर सारे तकरीबन मैंगोज और मैंगोज की वैरायटीज़ और कुछ अलग अलग किस्म फ्रूट की भी वैरायटीज़ वहाँ पर आती हैं दिखाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे कि हम पहुँचने वाले हैं, ये हमारा आप देख सकते हैं ये भी ऑफिस है, ये छोटा सा पार्क बनाया है लोगों के लिए जो सुबह सुबह तफरी करने के लिए या वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं। आई थिंक मैं आपको ज़्यादा करीब से तो नहीं दिखा सकता, इधर जो है मरदमशुमारी के लिए काफ़ी हमारी फोर्सेज आई हुई, तो मैं वो नहीं दिखा सकता, इससे मैं नीचे कर रहा हूँ। तो आपको इंशाल्लाह फिर कभी इधर का चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो जब तक साइड से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं फिलहाल में, सबसे तो मैं नहीं दिखा सका किसी रीज़न की वजह से, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है हमारा वो हॉल जहाँ पर जो है फेस्टिवल होता है हमारा मैंगो फेस्टिवल, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारा गामा स्टेडियम और फ्रूट फार्म का मिक्स हाई स्कूल है, आई थिंक ये है प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट फूड, आप देख सकते हैं सारा का सारा। ये भी आप पार्क देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, चेक करें आप। और ये है हमारे फ्रूट फार्म का मेन एंट्री गेट, हम लोग आए थे बैक साइड से, अब ये हम लोग जो बाहर जा रहे हैं ये गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप देख सकते हैं गर्ल्स के लिए। तो अब ये हमारा मेन गेट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि आए तो हम बैक साइड से थे, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। आप ये गेट देख सकते हैं मेरे प्रकाश का प्यारा सा फ्रूट फार्म का गेट, अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और ये हमारे मेरे प्रकाश के देख सकते हैं आप स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, ये रेलवे फाटक है हमारा फ्रूट फार्म रेलवे फाटक, इसके साथ साथ ये हमारी रेलवे जा रही है, आप देख सकते हैं। चलें, आज लगता है काफ़ी बड़ा ब्लॉक बन जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। ये देखें, ये हमारे मेरे प्रकाश का सर्किट हाउस है, आपको दिखाते हैं। और इसको जो है क्या नाम है, रेड विला भी कहते हैं, क्योंकि आ जाएँ मैं आपको दिखाता हूँ जो रेड विला क्यों कहते हैं इसको। जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम छोटे होते थे ना, तो घर वाले हमें डराते थे कि ऐसे कहते थे जैसे भूत बंगला कहते थे, ऐसे हम लोग पहले बचपन में आते थे तो इतना डरते थे, घूमने के लिए आते थे, बड़ा इन्जॉय भी होता था लेकिन डर भी बड़ा लगता था। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से इसका रेड विला कैसा है। ये आपको टॉप नज़र आ रही होगी इसके ऊपर की, जैसे जैसे हम करीब जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा हमारा मेरे को खास कर रेड विला। आप ये देखें, नाम तो इसका भूत बंगला है, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, ये भूत इधर आ ही ना जाए असल में। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी और कदीमी जो है ना इमारत है, बहुत मेरे प्रकाश की फेमस, देख सकते हैं आप। हमें तो खूब आराम से जा रहे हैं भाई वापस। देखें, ये है हमारे मेरे प्रकाश का फेमस ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चेक कर सकते हैं आप। कहा जाता है ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसकी एंड काफ़ी मुश्किल किसी ने देखा नहीं है तकरीबन, अभी सच है या झूठी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पास रेलवे स्टेशन। तो गाइस अभी हम लोग घूम फिर के वापस आ गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सर साहब जिन्होंने बाइक चलाई सारे रास्ते, मैंने तो नहीं चलाई, मुझे बोल रहे थे चलाने का, मैंने नहीं चलाई क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा था ना, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो ठीक है गाइस, काफ़ी मेहनत की वीडियो बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें, कोशिश करें यार शेयर ज़्यादा करें ताकि जो है हर कोई इससे जो है वीडियो देख सके और मेरे प्रकाश के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सके ना, क्योंकि कुछ इसमें मैंने ऐसी ऐसी बातें भी बताई हैं जो शायद किसी को ना पता हो, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।